चीन ने रूस के मित्र देश सर्बिया को अपनी घातक मिसाइलों की डिलीवरी की है। ऐसे में अमेरिका से लेकर सभी नेटो मुल्क जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं उनमें चीन ने धुकधुकी पैदा कर दी है, डर पैदा कर दिया है। इसके अलावा चीन ने अपनी एटमी फैक्ट्री में परमाणु बम की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा दी है। तो क्या जैसा रूस बोल रहा है कि अगला विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा, ये उसी की तैयारी है? तबाही की HQ-22 चीनी मिसाइल अब सर्बिया के हथियार डिपो में पहुंच चुकी है। HQ-22 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घातक HQ-22 मिसाइलें पुतिन के दोस्त सर्बिया को भेजी है। सर्बिया के लिए चीन की इस मिसाइल डिलीवरी ने पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सर्बिया को चीनी हथियारों की इस सप्लाई से चौंकना लाजमी है और कहीं ना कहीं इस मिसाइल डिलीवरी में वर्ल्ड वॉर के संकेत भी छुपे हुए हैं। चीन ने हाल ही में अपने 6 विशालकाय Y-20 कार्गो एयरक्राफ्ट की मदद से रूस के सहयोगी देश सर्बिया को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम भेजा है। माना जा रहा है कि चीन की वायुसेना की तरफ से विदेश में किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान है और यह अपने आप में दुर्लभ है कि चीन की वायुसेना ने यूरोप में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किया है। कहा जा रहा है कि रूस ने भी चीन से हथियारों की मदद मांगी है। पुतिन के दोस्त के लिए चीन की यह मिसाइल डिलीवरी उस समय हुई है जब अमेरिका यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजने का कमिटमेंट कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को अगले 24 से 48 घंटे में अमेरिकी हथियारों का जखीरा मिल सकता है। इन हथियारों की कीमत $750 मिलियन है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उसमें एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर और एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल के साथ गोला बारूद और आर्मर हो सकते हैं। शिपमेंट में होविट्जर भी शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन को जमीनी तौर पर इस्तेमाल होने वाली भारी आर्टिलरी भी दी जाएगी। तो अब एक तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका है, नाटो देश है जो हथियारों की डिलीवरी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ चीन है जो रूस के साथ साथ उसके मित्र देशों को अपने हथियारों से मजबूत बना रहा है और सर्बिया के लिए मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी उसी कड़ी का हिस्सा है। अब आपको समझाते हैं कि कैसे चीन अमेरिका के लिए भी नासूर बन रहा है। तो सुनिए, दुनिया पर बादशाहत की मंशा रखने वाले चीन ने तेजी से परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए। चीन की नजर अमेरिका के परमाणु हथियारों पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2027 तक 700 और साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और उसे अमेरिका की ओर से पलटवार का डर सता रहा है। यही वजह है कि चीन ने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका के रणनीतिक कमांड के एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने इस महीने कहा था कि जिस तरह से चीन जमीन, समुद्र और हवा के जरिए परमाणु बम गिराने की क्षमता, कमांड और कंट्रोल का विकास कर रहा है, वो न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के रुख से मेल नहीं खाता है। चीन के पास H-6 बॉम्बर है जो परमाणु बम गिरा सकता है। चीन अब H-20 परमाणु बॉम्बर भी बना रहा है। क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है? क्या वर्ल्ड वॉर के लिए एटम बम बनाए जा रहे हैं? रूस, अमेरिका और चीन आखिर सोच क्या रहे हैं? दुनिया के इन सबसे ताकतवर देशों की तैयारियों के बीच नॉर्वेजियन परमाणु निगरानी संस्था की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। संस्था का दावा है कि दुनिया के 9 परमाणु ताकत वाले देशों के पास 2022 की शुरुआत में 12,705 परमाणु हथियारों का भंडार था। इनमें 9,440 हथियार लगभग 1,38,000 हिरोशिमा के बमों के बराबर, जिन्हें मिसाइलों, विमानों, पनडुब्बियों और जहाजों के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन एटम बम के बटन वाला ब्रीफकेस साथ साथ लेकर घूम रहे हैं, वो न सिर्फ परमाणु युद्ध का रेड अलार्म बजा रहे हैं। रूस तो ये भी कह चुका है
कि अगला विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा तो क्या दुनिया के देश उसी की तैयारियों में जुट गए हैं? आज तक ब्यूरो।